तीस खबरें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया आज भीलवाड़ा के बिजौलिया के दौरे पर आए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें आजीवन सहयोग निधि समर्पण अभियान के तहत चेक सौंपे। एडीजी विनीता ठाकुर ने आज अजमेर रेंज आईजी ऑफिस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कानून व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया है। जयपुर के बस्ती में नारकोटिक्स विभाग ने करीब 24 क्विंटल पोस्त के चूरे की तस्करी करते हुए चार तस्करों को गिरफ्तार किया। ये लोग मणिपुर से मादक पदार्थ की खेप लेकर आए थे। केकड़ी में कोहड़ा गांव के पास क्रूजर और ट्रेलर की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि क्रूजर सवार 8 लोग घायल हो गए। जालौर के कुम्हारों का बास में चार घरों में रहस्यमयी आग लग गई। ये आग हर 2 घंटे में अपने आप जलती है और बुझती है। पुष्कर में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान वैन में आग लगी और मामले में पुलिस ने FIR दर्ज करवाई। रसद विभाग ने भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत परिवाद रजिस्टर किया है। भीलवाड़ा के करेडा में युवक ने खुदकुशी कर ली है। युवक नारायण घर से बकरियों के लिए पत्ते लेने जंगल गया हुआ था। डूंगरपुर के धम्बोला थाना पुलिस ने घर में तोड़फोड़ और जानलेवा हमले के मामले में पूर्व सरपंच समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। करौली में NH11 पर पशु चारे से भरी गाड़ी पलट गई। सड़क पर बने गहरे गड्ढे की वजह से यह हादसा हुआ है। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में सोमवार को हुए जमीन विवाद में पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई के आरोप लगे। बांसवाड़ा के सल्लापाटी इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। झुंझुनू में आज बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। झुंझुनू में शहीद पीरू सिंह के स्मारक की जमीन के अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग तेज हो गई है। राज्य सरकार का बजट पेश होने से पहले जैतसर के लोगों ने जैतसर को नगरपालिका बनाने और SC/ST को क्रमवृत्त करने की मांग की है। कोटड़ी में निर्माणाधीन ITI भवन का काम 2 साल से बंद पड़ा है और इसकी वजह से यहां पर निर्माण सामग्री खराब हो रही है। झुंझुनू के आबूसर में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। केशवराय पाटन विधायक चंद्रकांता बेगवाल कोरोना संक्रमित हो गई। गंगापुर में पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर कार्रवाई की है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में कोविड संक्रमण की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। चित्तौड़गढ़ की कन्नौज में किसान यूरिया खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। जयपुर में आज घना कोहरा छाया रहा जिसके चलते लोगों को परेशानी हुई। कुशलगढ़ में आज विशाल भागवत कथा की शुरुआत की गई है। जयपुर में सोसाइटी फॉर पब्लिक ग्रीवांसेस संस्थान के गरीब बेसहारा लोगों को कंबल और मास्क बांटे गए। टोंक जिला आबकारी कार्यालय में जिला आबकारी अधिकारी अनिल यादव ने जनप्रतिनिधियों से बदसलूकी की है। कोटपुतली में खेत में युवक का शव मिलने के मामले में ग्रामीण और परिजन पनियाला थाने में धरने पर बैठ गए। अलवर से 15 किलोमीटर दूर डेहरा शाहपुरा के अमृतबास के जंगलों में एक साथ 3 पैंथरों के शिकार की खबर मिली। अलवर में बैरोड के नांगलिया गांव में बीती शाम दबिश देकर अनैतिक कार्य करते 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीकर के श्री माधोपुर समेत आसपास के इलाके में आज फिर सुबह सुबह कोहरा देखने को मिला। इधर राजधानी जयपुर के चौमू इलाके में भी कड़ाके की सर्दी के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सीकर के फतेहपुर में सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। आज तापमान में बढ़त दर्ज की गई है।